दोस्तों, मैं आपको बता रहा था, ये जो रेड आप देख रहे हैं साइन बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिफिकेशन जहाँ पे किया जाता है, जिस स्टेशनों पे, सीआरएस इंस्पेक्शन के पहले इंश्योर किया जाता है कि रेड बोर्ड हर जगह हो, क्योंकि ये कॉशन का बोर्ड है। आप देख पा रहे हैं, हिंदी में सावधान उच्च वोल्टेज कर्षण लिखा हुआ है हिंदी, और इंग्लिश में लिखा है कॉशन नोटिस हाई वोल्टेज फ्रैक्शन। और मैं आपको ये पढ़ के सुना दूँ क्या है। इस स्टेशन पर रेल पटरियों के ऊपर बिजली के तार लगे हुए हैं, बिजली के तार इसमें लगे हुए हैं। आप देख पा रहे हो कि बिजली के तार यहाँ पे लग गए हैं। दूसरी बात, जनता को चेतावनी दी जाती है कि बिजली कर्षण के तारों और उनकी फिटिंग से दूर रहें। ये जो बिजली कर्षण के ये जो तार हैं और इनके ये फिटिंग है, जो सारे रॉड हैं, इनसे आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये बहुत रिस्की है, इसमें हाई वोल्टेज करंट फ्लो कर रहा है। इसके बाद है, उन्हें मना किया जाता है कि वे तारों की फिटिंग्स के पास अथवा संपर्क में ना आए बांस की बल्लियों, बांस की जो बल्ली होती है ये ट्रक में कई बार लगी रहती है, धातु के छड़ आदि से ना छुएं, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। तो ये आपको ये ध्यान देना होगा कि ये इन चीज़ों से आप सावधान रहें और इसको ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद अगर आप इन चीज़ों को आप करेंगे, अगर आप किसी बांस के बड़े उससे छुएंगे या किसी रॉड से छुएंगे, तो आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए रेलवे हमेशा आपकी सावधानी और आपकी जान की हमेशा ही रक्षा करता आया है और हमेशा ही रक्षा करेगा। तो इसीलिए उनका काम था आपको सावधानी बताना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बोर्ड का वैल्यू, इसको है ना हल्के में ना लिया करें आप। बाकी आपको बता दें, 440 का टाइमिंग सेट हो गया है फिलहाल। हेली गली रोड पे अभी पूछा पाट का काम चल रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन का, और वहाँ से ट्रेन 440 में बेलंदुरु रोड आने वाली है, और जैसे ही आती है उसको मैं कवरेज करूँगा। धन्यवाद।